दोस्तों, आपने स्टार प्लस का लोकप्रिय शो साथ निभाना साथिया तो देखा ही होगा, जिसकी गोपी बहू के रूप में देवोलीना आज काफी मशहूर है। पर इस शो में सबसे पहले एक्ट्रेस जिया मानेक ने गोपी बहू का किरदार निभाया और अपनी मासूमियत से सभी का दिल जीत लिया और दर्शकों की फेवरेट बन गई। पर जल्द ही इन्होंने इस शो से अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस आज आखिर कितना कमाती है, कितनी प्रॉपर्टी की मालकिन है और कैसी लाइफ जीती है? आज की इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में नहीं बल्कि इनकी टोटल प्रॉपर्टी, लाइफस्टाइल और सैलरी के बारे में बताएंगे। अगर आप भी इनसे जुड़ी हुई बातें जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही इस खूबसूरत अदाकारा के लिए वीडियो को लाइक तो कर दो। साथ निभाना साथिया शो में गोपी बहू का किरदार निभाने वाली जिया मानेक का जन्म 18 फरवरी 1986 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। सारी पढ़ाई भी वहीं हुई। अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2010 में साथ निभाना साथिया में गोपी बहू का किरदार निभाकर की। पर 2 साल बाद इन्होंने इस शो को छोड़ दिया, जिसके बाद इन्होंने कई सीरियल्स में काम किया और आखिरी बार 2019 में ये जी टीवी के शो मनमोहिनी में लीड रोल करती हुई दिखी। इस शो के बाद ये किसी शो में नजर नहीं आई और आज नए शो की तलाश में है। आपको बता दें, ये अपने हर शो में पर एपिसोड 80,000 रुपए लेती हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी टोटल प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये अब तक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है, जिसमें इनका मुंबई के बांद्रा इलाके में शानदार और लग्जरी अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत करीब 90 लाख है। इसके साथ ही 10 लाख का 1 BHK फ्लैट भी है। इस तरह करीब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है ये, जो इन्होंने खुद अपने पैसों से बनाई है। अब जब ये इतना कमाती है, इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन है, तो जाहिर सी बात है उसी हिसाब से लाइफ भी जीती होंगी। शुरू करते हैं इनके ड्रेसेस से, तो ये केवल डिजाइनर ड्रेस पहनती है, जिनमें इंडियन ड्रेसेस के साथ साथ मॉडर्न ड्रेस भी होती है। ये दोनों में ही काफी सुंदर दिखती हैं। पर आपको बता दें, इनकी सुंदरता में 4 चांद लगाने वाली एक ड्रेस की कीमत करीब 1 लाख होती है। ड्रेस के बाद बात करें इनके शूज की, तो इनके पास ब्रांडेड शूज का बड़ा कलेक्शन है, जिनमें हर तरीके की स्टाइलिश हील्स शामिल है, जो केटवॉक और 9West जैसे ब्रांड की है, जिनमें एक पेयर की कीमत करीब 80,000 होती है। ड्रेस और शूज के बाद इनके पास हैंडबैग का भी काफी अच्छा कलेक्शन है, जिनमें गुची और अरमानी जैसे ब्रांड के हैंडबैग शामिल है। एक बैग की कीमत होती है 50,000 रुपए। अंत में बात कर लेते हैं इनके कार कलेक्शन की, तो इनके पास मर्सिडीज बेंज ए क्लास, BMW A3 जैसी महंगी गाड़ियां हैं। वहीं अगर बात करें निजी जीवन की, तो इन्होंने शादी नहीं की है, पर इनका नाम एक्टर अंकित बठला के साथ जोड़ा जा रहा है। अब वो इनके साथ रिलेशन में है या नहीं, इन्होंने कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया है। फिलहाल तो ये अपने करियर पर ध्यान दे रही है और मुंबई के बांद्रा इलाके वाले आलिशान फ्लैट में अपने पापा मम्मी के साथ रहती है। तो दोस्तों, गोपी के किरदार में आपको इनकी एक्टिंग अच्छी लगी या देवोलीना की, अपनी राय कॉमेंट में दे देना। और टीवी से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।